हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत पेरेनियल परमानेंट प्लांट के बारे में, जो जिसका नाम है एस्पेरिगस, और ये लिली फैमिली से बिलोंग करता है। और सामने आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत मेरे जो है एस्पेरिगस प्लांट्स का कलेक्शन रखा हुआ है। और ये जितने भी पॉट लगे हुए हैं, ये सारे जो स्टैंड हैं और पॉट हैं, मैंने खुद ही बनाने की कोशिश करी है। शुरू शुरू के एक दो जो है वो बहुत अच्छे तो नहीं बने हैं, पर फिर भी हाँ आप देख पा रहे हैं जो है आपके सामने है। तो दोस्तों, ये जो प्लांट है ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। और ये कुछ देखिए किस किस तरह का कबाड़ का जुगाड़ किया है मैंने। तो ये बांस की एक टोकनी है, उसमें मैंने इसको लगाया हुआ है। और इसको मैंने बरसात में डिवाइड किया था, एक प्लांट से बहुत ज़्यादा घना हो गया था वो। तो इस तरीके से मैंने ये लाइन से जो 1 2 3 4 और ये पांच प्लांटर तैयार किए थे एक ही पॉट से। तो ये अब थोड़ा इनकी कंडीशन ये घना हो गया है, और कुछ ही दिनों में ये पूरा भर जाएगा। तो पूरा जो ये है, पूरा ये कबाड़ का जुगाड़ ये भी ढक लेगा इसको, और बहुत खूबसूरत लगता है ये। मन चाहा शेप देकर हम इसकी अच्छे से टोपियारी बना सकते हैं। तो कुछ ये कपड़े का एक पॉट मैंने बनाया था सीमेंट के साथ मिला के, तो ये उसका है। और ये भी बांस की टोकरी में लगा हुआ है। और ये जो छोटे छोटे से मेरे क्यूट मटकी प्लांटर हैं, इसमें लगा हुआ है ये मटके को मैंने पीछे नीचे साइड से काट के और फिर ऐसे बनाया था, आप देख रहे हैं। और अभी संडे को मैंने इन सारे प्लांट की जो है प्रूनिंग करी हुई है, और इसको कुछ ऐसे गोल राउंड शेप देने की कोशिश करी है, आप देख रहे हैं। देखिए, पहले मैं आपको सारे पॉट दिखा देती हूँ। और ये एक प्लास्टिक का टब है, इसमें लगा हुआ है। और कुछ 4-5 जो पुराने मेरे प्लांट हैं उसकी कंडीशन भी कुछ ऐसी हो गई है अभी कि उसको डिवाइड कर सकते हैं, पर देखते हैं। और दोस्तों, ये देखिए ये कि जो गार्डन में काम करते समय पट्टा टूट जाता है धूप में पड़ा पड़ा, तो उसमें भी मैंने इसको लगा दिया है। तो इस तरीके से, और इस सीमेंट का जो स्टैंड का पॉट बना था उसमें रखा हुआ है ये सारा। अभी इसमें सब कलर करूँगी तो मैं बहुत खूबसूरती इसकी बढ़ जाएगी। अभी भी बुरी नहीं है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इस साइड पे भी रखे हुए हैं कुछ। ये सारे प्लास्टिक के टब से मैंने ये सीमेंट के पॉट खुद ही घर पर बनाए हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी कुछ जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो दोस्तों, ये जो प्लांट होता है ये लिली फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें ये जो है, देखिए जैसे लिली को हम बल्ब से लगाते हैं, इसी तरीके से इस प्लांट को जो है हमें इसी बल्ब से डिवाइड करना होता है। ये बल्ब से ही लगाना पड़ता है इसको, कुछ ऐसे कटिंग से या ऐसे नहीं लगता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा इसका जो बंच है, यदि मैं इसको निकालूं तो बहुत आसानी से, किसी भी तरीके से कोई ऐसी सावधानी की बहुत ज़रूरत नहीं है। बस इसको चाकू से काट के या वैसे ही अलग हो जाए तो छोटा छोटा इसका पीस करके इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका प्रोपोगेशन। आप एक प्लांट लाइए, और आप देख ही रहे हैं मेरे पास कितने सारे पॉट हैं, और भी कहीं कहीं रखे हुए हैं। फ़िलहाल इनको मैंने यहाँ पास पास रखा हुआ है अभी। तो आराम से इसका प्रोपोगेशन हम कर सकते हैं, और आप देख ही रहे हैं, क्योंकि इतने सारे प्लांट तो कोई भी नर्सरी से लाता नहीं है। एक ही प्लांट से मैंने ये बनाया हुआ है। तो एक प्लांट आप लाइए, और जब वो अच्छा घना हो जाए तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए। और बात करें दोस्तों इसकी सनलाइट की, तो ये मेरा जो प्लांट है ये फुल सनलाइट में रखा रहता है। तो फुल सनलाइट में यदि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो थोड़ी सी इसकी पत्तियाँ इस तरीके की हो जाती हैं। हालांकि इसको हम फुल सनलाइट में रख सकते हैं। और ये सब भी है, ये बहुत थोड़ा सा एकदम से कह लीजिए इसको कि ये मदर प्लांट है, पुराना है, बहुत ओवरग्रोन हो गया है, इस तरीके से इसकी थोड़ी से कलर ऐसा हो गया है। और ये जो नया नया है, नया प्लांट की बात ही कुछ अलग रहती है। जब हम उसको नया लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ ज़बरदस्त, देखिए ये कितना घना हो रहा है। और अभी मैंने इसको संडे को इसकी प्रूनिंग कर दी, ऐसे राउंड शेप गोल देने की कोशिश करी है। तो ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। तो आप इसको मनचाहा शेप दे सकते हैं।
तो इसके दोस्तों कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती है। पानी भी इसकी जब मिट्टी सूख जाए तब आप दीजिए। और अभी देखिए इस तरीके की इसकी मिट्टी है, ऐसा मैं रखती हूँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ कि कीचड़ मच जाए बिल्कुल। और इसको इसमें इन सारे पॉट में मैंने संडे को वाटर दिया था, और अभी फ़िलहाल ठंड में तो रोज़ देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत ही लो मेंटेनेंस और हार्डी प्लांट होता है, आप ज़रूर अपने गार्डन में इसको ऐड करिए। और इसको फर्टिलाइज़र भी साल में एक आधी बार आप जो भी दें, गोबर की खाद, गोबर का लिक्विड फर्टिलाइज़र, बहुत ही कम मात्रा में इसको ज़रूरत पड़ती है। कोई ख़ास ऐसे कोई ख़ास फर्टिलाइज़र की ऐसे ज़रूरत इसको नहीं पड़ती है। और दोस्तों एक बात और है, और सामने जो आपको दिख रहा है मेरे बेबी टीयर्स के प्लांट है, और उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कटिंग से लगाने का। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होता है, एक छोटा सा पॉट नीचे रखा हुआ, उसको मैं दीवार में हैंग कर देती हूँ, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। इस तरीके से स्टैंड पे रख दें प्लांट को, और इसमें कुछ भी ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। और एक बात और, इसमें आप इसकी हैंगिंग बास्केट बहुत खूबसूरत लगती है, आप जब इसको हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो पूरा ये कवर कर लेता है बास्केट को, तो बहुत ही हैंग करता हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। और आप देख रहे हैं कि आप इसकी जो ब्यूटी है वो हैंगिंग प्लांट में तो लगती ही है खूबसूरत, और इस तरीके के स्टैंड वाले पॉट में हम रख देते हैं तो और भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आप इसको जब भी लगाएं तो इस तरीके का कुछ ऐसे सेलो पॉट में लगाएं, थोड़ा सा जिसकी वो चौड़ाई ज़्यादा हो, तो ये बहुत अच्छे से पूरा पॉट को कवर कर लेता है। और सीमेंट के, प्लास्टिक के, किसी भी मिट्टी के किसी भी पॉट में ये लग जाता है। सारे उदाहरण आपके सामने रखे हुए हैं, मैंने तो बाज की टोकनी तक को नहीं छोड़ा है। तो दोस्तों ये है एस्पेरिगस के प्लांट के बारे में जो बेसिक थोड़ी सी जानकारी है, और कोई भी खास इसकी कोई केयर नहीं है, बस आप लाइए अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। और बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है ये प्लांट, कुछ भी केयर नहीं करनी पड़ती है, और इसमें कुछ कभी कोई ऐसे कीड़े वगैरह भी नहीं लगते हैं। हाँ, कभी कभार अपने आसपास कुछ ऐसे प्लांट लगे रहते हैं जिसमें मिली बग्स लग जाता है, तो कभी कभी इसमें आके चिपक जाता है, बाकी इसको कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसे आप ये देख रहे हैं, बहुत ही हेल्दी प्लांट लगता है ये, बहुत खूबसूरत लगता है दोस्तों। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।